आई होप एंजॉय किया। एंजॉय का तो पता नहीं, डांस किया। मेरा भी कुछ ऐसा ही था, एंजॉय का तो पता नहीं, बस डांस किया। हम कभी मिले नहीं हैं, पर तुम्हारी और मेरी लाइफ में कितने कोइंसिडेंस वाली चीजें होती हैं। चलो हैप्पी दिवाली, आई होप हम जल्दी मिले। हाँ शायद अगली दिवाली से पहले। हैप्पी दिवाली। ये प्लेट किसके लिए? विक्की के लिए, कल रात को ही वापस आया है। और हाँ, वो एक बिजनेस प्लान डिस्कस करना चाहता है। ओह, अच्छा, फिर से? पिछली बार मोरक्को से घोड़े लाया था, दिल्ली में रेस करवाना चाहता था। बेचारे घोड़े, इतना लंबा सफर तय करते करते अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठे। अगर शौर्य विक्की को सपोर्ट करता ना, तो ये सब नहीं होता। अरे अब ये सब पास में है, एटलीस्ट सुनते हैं उसे, वो क्या प्लान लेके आया है। विक्की को बुला। माँ से मिली थी। आप में और आपकी माँ में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना सूरत ना सीरत। वो जितनी ही शांत स्वभाव की है ना, आप उतने ही डिस्टर्बिंग हैं। वो जितनी ही महान है ना, आप उतने ही घटिया। आप लोगों ने शो के मेकर्स की परमिशन के बिना अपनी दुकान की ब्रांडिंग की है इंडिया सुपर कुक के साथ, इसलिए मिस्टर शौर्य खन्ना ने आप लोगों पर कॉपीराइट का केस किया है। नहीं, मैं बता रहा हूं, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम बेकस हो रहे हैं। ये क्या बकवास लेके आ गया? अब पुलिस वाले, ये गुंडे। गेट आउट ऑफ माय हाउस राइट नाउ, वरना पुलिस बुलाकर तुम्हें भी तुम्हारे चाचों के साथ में जेल भेज दूंगा। मेरे एक फोन कॉल पर तुम्हारे चाचा जेल से छूट जाएंगे, लेकिन वो फोन कॉल मैं तब करूंगा जब तुम मेरे साथ डांस करो। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ, तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ, मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। लिसन टू मी, डैम इट, यश इज द जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ, तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, तुम ये सब पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो, देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निकल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, फोन फोन के बदले कौन? नहीं, पर माँ साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है। छाई
तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं, जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाएगा।